For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज अड्डा में। दोस्तों, जब से सृष्टि रोड का एविक्शन बिग बॉस 12 से हुआ है, तब से वो एक के बाद एक डेफिनेटली काफी ज्यादा शॉकिंग रिवेलेशंस करती जा रही हैं। और जब से वो घर से बाहर आई हैं, घर वालों के बारे में भी काफी बातें पता चल रही हैं। जैसे कि हाल ही में सृष्टि ने श्रीसंत के बारे में एक बात रिवील की, जिसे सुनकर आप सभी शॉक हो जाएंगे। वेल, सृष्टि जो है, जैसे ही उनसे पूछा गया वो सैया और भैया वाले कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर, जिस पर डेफिनेटली आपको याद होगा कुछ टाइम पहले घर में बहुत बवाल मचा था उस चीज को लेकर, सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा बवाल मचा था, काफी सेलिब्रिटीज ने सृष्टि को और रोमिल को ट्रोल भी किया था इस चीज के लिए, जिस तरह दीपिका को टारगेट कर श्रीसंत और शोएब को कंपेयर करते हुए ये सैया और भैया का टैग दिया गया था। सो इस चीज पर काफी बवाल हुआ था। तो इस चीज पर सृष्टि ने क्लैरिफाई करते हुए ये कहा है कि श्रीसंत को अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी इस चीज से, तो उन्हें पहले ही ये चीज बोलनी चाहिए थी, बिकॉज दीपिका को इस चीज के बारे में नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसी कोई लाइन हम यूज करने वाले हैं, लेकिन डेफिनेटली श्रीसंत पहले से ये चीज जानते थे। जी हाँ, सृष्टि ने ये बात रिवील की है कि श्रीसंत जो है वो पहले से जानते थे इस चीज को कि हम अपने टास्क में, अपने परफॉर्मेंस में जो एक्ट हमें करना था उसमें हम ये लाइन बोलने वाले थे सैया और भैया। तो अगर श्रीसंत को इतनी प्रॉब्लम थी तो वो उस टाइम पे भी मना कर सकते थे कि आप ये यूज मत कीजिए, दीपिका जी हर्ट हो जाएंगी। लेकिन श्रीसंत ने ऐसा नहीं किया, और बाद में जब दीपिका इस चीज पर बुरा मान गई और उन्होंने रिएक्ट किया, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई इस चीज पर बात करते करते, काफी दीपिका ने अपना अग्रेशन भी दिखाया इस चीज पर जो कि जायज था। इस चीज को लेकर बाद में सृष्टि ने ये कहा कि अगर श्रीसंत उस टाइम पे उनका सपोर्ट कर रहे थे तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि श्रीसंत को ये चीज पता थी, उसके बावजूद उन्होंने इस चीज का सपोर्ट किया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है, अब ये बात सुनकर, अगर ये बात सच है तो डेफिनेटली श्रीसंत जो है वो दोगला गेम खेल रहे हैं घर में, और कहीं ना कहीं दीपिका को यूज भी कर रहे हैं। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और दोस्तों, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप कमेंट जरूर कीजिए, बिकॉज जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप हमारे चैनल पर अपना रिस्पॉन्स देंगे, उतना ही ज्यादा हम आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, मैं आपसे स्पेशली इंटरेक्ट कर पाऊंगी, मुझे समझ में आएगा कि आप क्या बातें करना चाहते हैं, आपके क्या डाउट्स हैं, और हो सकता है आपके डाउट्स को लेकर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर भी करूं। सो प्लीज कमेंट ऑन आवर चैनल।